खुद अपना चुनाव जीत रहे हैं अजीत दादा? लड़ाई बड़ी मुश्किल है वहां पर, क्योंकि शरद पवार आखिरी के 4 दिन वहीं डटे हुए थे। शरद पवार की पत्नी भी चुनाव मैदान में उतरी, चुनाव प्रचार में उतरी, साथ ही सुप्रिया सुले भी वहीं पर डटी हुई थी, तो ये नाक का सवाल शरद पवार ने बना लिया है। तो अजीत पवार के लिए राह बिल्कुल आसान नहीं है। जीत हार तो खैर 23 तारीख को पता चल पाएगा, लेकिन जिस आसानी से अजीत पवार बारामती जीता करते थे, कभी 70,000 कभी 80,000 वोटों से, वो इस बार नजर नहीं आ रहा है। अगर वो जीते भी तो बड़े कम अंतर से जीतेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं पिनाजो बता रहे हैं कि मामला जो है वो बड़ा नजदीकी होने वाला है, क्योंकि शरद पवार ने अपनी पूरी ताकत वहां पे झोंक दी, अपनी जो एक्सपीरियंस है उनका राजनीति का पूरा झोंका है कि वो बारामती की सीट कम से कम युगेंद्र पवार के लिए जीत कर दिखाएं। जी पिनाज, बिल्कुल, और जीत कर दिखाएं। और कहा जाता है, सुधीर जी ये सवाल मैं आपके अनुभव से जानना चाहूंगी, कहा जाता है कि शरद पवार जो हैं वो आसानी से किसी को नहीं छोड़ते हैं और ना ही माफ़ करते हैं। वक्त आने पर वो अपना बदला जो है वो पूरा लेके रहते हैं। बेटी के सामने जब भाभी खड़ी हो गई थी तो शायद उसी दिन शरद पवार ने तय कर लिया था कि अब अजीत का रास्ता आसान नहीं होगा। बिल्कुल, उसी दिन से जिस दिन अजीत पवार चले गए उसी दिन से उन्होंने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी थी। उसी दौरान उन्होंने योगेंद्र आइडेंटिफाई कर लिया था। उसी दौरान युगेंद्र पवार को उन्होंने कहा था जाना सीख लो, ये चीजें उन्होंने शुरू कर दी थी। तो शरद पवार कभी भी प्लानिंग जब चीजें होती तब करते थे, वो एडवांस में प्लानिंग रहती है। तो युगेंद्र पवार की प्लानिंग जिस दिन अजीत पवार का एग्जिट हुआ उसी दिन युगेंद्र पवार की एंट्री बारामती के स्टेट असेंबली इलेक्शन में पवार फैमिली के पॉलिटिक्स में हो गई, ये पहली बात। दूसरी बात, मैं भी बारामती में 2 दिन था, मैं भी बारामती के अलग अलग एरिया में घुमा, अलग अलग लोगों से बात किया। तो वहां पे एक चीज है, शरद पवार को लोग एक दैवत जिसे हम मराठी में कहते हैं गॉड मानते हैं उधर, उनका ऐसा कहना है कि बारामती की जो भी पहचान है वो शरद पवार की वजह से, भारत में हो पूरे कहां भी आप जाएंगे तो शरद पवार के नाम से जाने जाती है। ये भी बात वो मानते हैं कि अजीत पवार की वजह से बारामती में विकास हुआ, ये भी वो मानते हैं। लेकिन वो सबसे जो प्रायोरिटी लिस्ट में जिसे हम रिस्पेक्ट देना हो, जिसकी बात सुनना हो, जो आते हैं वो शरद पवार की आती है। और दूसरा, वो लोगों का ऐसा कहना था कि बीजेपी के लगता है, रवि जी आप भी क्या सुधीर जी की बात से और राजेश की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि चक्रव्यूह ऐसा रचा गया है जिसे भेदना अजीत पवार के लिए आसान नहीं होगा? विकास के काम तो उन्होंने खूब कराए हैं, मैं खुद बारामती गई थी, विकास भर भर के दिखता है बारामती में, लेकिन क्या ये चक्रव्यूह भेद पाएंगे अजीत पवार? नहीं, ऐसा है कि लोगों के मन में ये भावना है कि आपकी पहचान राजनीति में किसने बनाई है, आपको जाना ही जाता है शरद पवार के भतीजे बनकर। अब ऐसा है कि पार्टी बनाई उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस, चुनाव का चिन्ह उनकी मेहनत से मिला है। आप अपने चाचा की पार्टी छीन लेते हो, चुनाव छीन लेते हो, चुनाव चिन्ह छीन लेते हो, उसके बाद उनको चैलेंज करते हो, उनकी बेटी के साथ यानी अपनी बहन के सामने अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाते हो। शायद लोगों के जहन में, लोगों के मन में ये बात ठीक से उतरी नहीं है बारामती की। और चुनाव के दौरान ही लोग ऐसा कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो, अंतिम दिन यानी कि 18 तारीख को जब शरद पवार बारामती पहुंचेंगे और जो आदेश वो देंगे, जो बात वो हमसे करेंगे, उसी हिसाब से सारा मामला बदल जाएगा। और जैसे शरद पवार ने कहा कि अगले 40 साल का मैं सोचकर युगेंद्र को आपके साथ सामने ला रहा हूं और उन्हें आपके पास सौंप रहा हूं आपके लिए, तो बात वहीं पे सबसे ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। और मुझे लगता है कि योगेंद्र वहां से चुनकर आ सकते हैं। अजीत पवार के लिए बड़ी 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 दिक्कत है, क्योंकि उनकी राजनीति का फाउंडेशन जो है वो शरद पवार, तो शरद पवार की बात बारामती मानेगी ऐसा मुझे लगता है। चलिए, तो एक भतीजे ने अपने चाचा से, अपने राजनीतिक गुरु से सिंबल छीन लिया, पार्टी का नाम छीन लिया, तो दूसरा भतीजा अपने चाचा को मात दे सकता है, ये भी संभावनाएं प्रबल नजर आ रही हैं। विवेक भासार जी, हम बारामती पहुंचे तो लोगों ने कहा कि कई लोगों का यह भी मानना था कि भाई बहुत क्लियर कट डेफिनेशन हुआ करती थी कि केंद्र में ताई और जब बात आए विधानसभा की राज्य में भाऊ अजीत दादा, तो क्या ये डेफिनेशन ना बिगड़ जाएगी जैसा कि सुधीर जी रवि जी दोनों कह रहे थे और राजेश भी उसी से इत्तेफाक रख रहे थे? मैं दोनों के मत से बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने जैसे पहले कहा कि पार्टी को स्प्लिट करना, उसका नाम छीनना, उसका इलेक्शन का चिन्ह छीनना, ये किसी को पसंद नहीं आए। और इसी वजह से चाहे शिवसेना हो चाहे राष्ट्रवादी हो, दोनों की तरफ जो ओरिजिनल पार्टी है उसको लोगों ने चुना है।
इस टाइम बारामती में अजीत दादा को बोलना पड़ा कि भाई आपने लोकसभा में ताई को चुन के दिया है, इस बार अभी मुझे विधानसभा में चुन के दो। ये जब उसको बोलने की जरूरत पड़ती, इसका मतलब सही बिल्कुल क्लियर है कि उनके पैरों के नीचे की जमीन। उन्होंने तो ये भी बोल दिया था मैंने गलती की अपनी पत्नी को ताई के सामने खड़ा करके, गलती भी मान ली थी उन्होंने, माफी भी मांग ली। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उनको कहा गया था कि आपकी वाइफ को उनके खिलाफ मत खड़ा करो। अभी योगेंद्र बहुत छोटा है, उनके अजीत दादा बहुत सीनियर है, काफी सालों से वो राजकारण पॉलिटिक्स में है। ऐसे में अगर योगेंद्र के सामने अजीत दादा हार जाते तो ये उनके लिए बहुत बड़ी नामुश्किल होगी। पहले वाइफ हार गई, अभी उनके हारने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर ऐसा होता है तो अजीत पवार का पॉलिटिक्स खराब हो जाएगा। चाहे सत्ता में महायुति आ जाए, चाहे सत्ता में अजीत दादा की पार्टी हो, लेकिन अजीत दादा नहीं रहेंगे, उनको बैकडोर से मतलब एमएलसी बनके उनको सत्ता में आना पड़ेगा, ये उनके लिए बहुत बड़ी नामुश्किल। अजीत दादा तो सीएम बनने के सपने भी देखते हैं, हर बार कहते हैं कि किस्मत खराब रहती है, हर बार गाड़ी डिप्टी सीएम पर आके ही अटक जाती है, चाहे बगावत कर लूं, चाहे कितना भी अच्छा प्रदर्शन कर लूं, तो लगता है कि वो सपना तो कुछ और ज्यादा दूर हो जाएगा अगर नतीजे उनके हक में नहीं आए तो। हाँ जी जी, बात करना मीम्स व्हाट्सएप में घूम रहा है भाई, सीएम कोई भी हो लेकिन अजीत दादा का डीसी भी बनते पहले उनका शपथ ले लिया जाए।